पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महानगर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में साहस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में नारी शक्ति सम्मान समारोह और अधिष्ठापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री गुलाब देवी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। साहस वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यों द्वारा प्रार्थना के पश्चात स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा वेलकम डांस की प्रस्तुति की गयी। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर लता चंद्रा द्वारा पिछले 6 वर्षों की कुछ खास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 2022-23 की टीम का अधिष्ठापन माध्यमिक शिक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। साथ ही पत्रिका का विमोचन किया गया। एक छात्रा की फीस का भी चेक दिया गया। कार्यक्रम में वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट में 15 लड़कियों को जिन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया था उन्हें मंत्री जी के हाथों एक सर्टिफिकेट और उपहार से सम्मानित किया गया। 2 लड़कियों को महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत सिलाई मशीन दी गई। कौशल्या स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नाटिका का विमोचन किया गया। 2023 और 24 की अध्यक्ष रोहिणी कंसल ने अपना उद्बोधन दिया। इसके पश्चात डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से प्राचीन भारत और आज के भारत की तस्वीर का चित्रण किया गया। ओवैसी ने ऑब्जेक्ट किया है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराने का प्रयास है, क्या कहेंगे कोर्ट के सर्वे? किसी, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी के विचारों पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। जैसा वो कह रहे हैं उस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जी क्या कह रहे हैं? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी के विचारों पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। एक सवाल और था, सर आईडी गिर रही है नीचे। ये अदालत का फैसला है, जैसा अदालत सही समझती है वैसे निर्णय देती है। अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि 2014 में भाजपा यूपी से आई थी, 2024 में भाजपा यहीं से जाएगी, देश से चली जाएगी, क्या कहेंगे? अपने विचार है, ये उनके विचार हैं जो व्यक्त कर रहे हैं और विपक्ष के विचार होने भी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।